राजकुमार त्रिपाठी जी बलरामपुर उत्तर प्रदेश आप पूछ रहे हैं महाराज जी राम कुमार त्रिपाठी महाराज जी पूजा में धोती पहनना क्यों आवश्यक है और भारतीय भूषा ही वेशभूषा ही क्यों देखिए अपने यहाँ हर काम के लिए अलग अलग वेशभूषा है जिस समय जो व्यक्ति जो काम करता है उसके अनुसार की वेशभूषा पहनता है जो पुलिस वाले हैं वो पुलिस की ड्यूटी में जब जाते हैं तो पुलिस का ड्रेस पहन लेते हैं जब घर में आते हैं तो घरेलू ड्रेस पहन लेते हैं तैरने के लिए जाने वाले लोग तैरने का जो लोग खेलने के लिए जाते हैं अपने खेल के अनुसार का जो निश्चित है निर्धारित है पहलवान जब लड़ने के लिए जाता है तो वो कुर्ता पैजामा पहन के अखाड़े में थोड़े उतरता है वो तो लंगोट बांध के उतरता है इसी तरह से जो मुक्केबाज हैं उनका अलग वेश है मतलब क्या है मतलब ये है जब आप बरसात में निकलते हैं तो अलग ड्रेस होता है गर्मी में अलग होता है ठंडी में अलग होता है परिस्थितियाँ और वातावरण इनका निर्धारण करते हुए वेश विन्यास हमारे यहाँ किया जाता है तो जैसे सब काम के लिए अलग अलग, अलग ड्रेस है उसी तरह से पूजा के लिए भी एक ड्रेस है वो क्या है उसमें हमारे यहाँ ये यह बताया गया है कि जो धार्मिक कार्य करने के लिए व्यक्ति चल रहा है उसके लिए दो चीज़ें अनिवार्य हैं उसको दो वस्त्र पहनना होता है एक कमर में और एक कंधे पर तो कमर में जो वस्त्र पहनेगा उसके दो छोर होंगे जब आगे ले आएगा तो एक बायां, एक दाहिना तो जो बायां है उसको पीछे की तरफ ले जा करके खोसना है जिसको कांच लगाना कहते हैं और जो दाहिना है उसको आगे चन्नट लगा करके खोस लेना है और एक जो दूसरा टुकड़ा है उसको बाएँ कंधे पर रख लेना है तो जो व्यक्ति बिना कांच के पूजा करता है उसकी पूजा का फल जो आसुरी शक्तियां हैं वो ले लेती हैं यह समस्या है तो इसीलिए हमारे हम करें और दूसरा ले कर चला जाए उसका कोई फायदा नहीं तो इसीलिए कांच लगा करके पूजा करने का नियम है और ये कहा गया है कि ये अति अनिवार्य है मुक्त मुक्त कक्षस्तु यो विप्रह चरते द्विजा पदे पदे सुराप आनम प्रायश्चित्तम न विद्यते जो ब्राह्मण है उसके लिए तो कहा गया है कि उसको तो हर समय कांच लगाए रहना चाहिए लांग लगाए रहना चाहिए क्यों अगर वो मुक्त कच्छ हो करके के चलेगा तो हर कदम पे उसको शराब पीने का दोष लगेगा और प्रायश्चित नहीं तो पूजा करते समय कांच लगाना अति आवश्यक होता है और बाएं कंधे पर दुपट्टा रखे रहना उत्तरीय वो भी आवश्यक होता है यही पूजा का ड्रेस है शास्त्रों में इसका बताया गया है और इसीलिए ये अनिवार्य है और भारतीय वेशभूषा तो भारत के लोगों को पहनना ही चाहिए इसमें पूछने की कोई बात नहीं है जो जिस देश का है अपने देश की संस्कृति के अनुसार का वेश धारण करता है हम भारतीय हैं पता कैसे चलेगा अगर हम विदेशी वेशभूषा अपनाए रहेंगे तो विदेशी वेशभूषा अपनाए रहने पर हम विदेशी ही तो सिद्ध होंगे तो इसीलिए भारतीय वेशभूषा की बात कही जाती है और धोती पहनना इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि वो शास्त्र नियम है नारायण